हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, भाषा की चैनल। तो आज चलिए हम आपको ले चलते हैं मानव श्रृंखला में शामिल होने। और देखिए गाइस, आपको कैसा लग रहा है कि हमारे कॉलेज में भी मानव श्रृंखला बनाया जा रहा है। चलिए चलते हैं। देखिए पीछे से सारे स्टूडेंट लोग भी आ रहे हैं और हम लोग बीच में हैं और आगे भी बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं स्टूडेंट सब। तो चलिए ले चलते हैं। सी गाइस, ऐसे साथ साथ मैं आपको थोड़ा कॉलेज का भी टूर करा देते हैं। ये हम लोग का आईपीटी के सामने है गाइस। चलिए तब तक आपको ये बता देते हैं कि मानव श्रृंखला क्या है, क्यों बनाया गया। तो चलिए आज हम बता देते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि पर्यावरण को लेके हम लोग को जागरूक करना था एक दूसरे को। इसमें जल जीवन, हरियाली, नशा मुक्ति को मतलब रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, जो हम लोग दहेज प्रथा मतलब हो रहा है बिहार में, मतलब बहुत चल रहा है, उस चीज़ को रोकने के लिए गाइस ये सब हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मानव श्रृंखला बना के। और बिहार में होता कि ये नीतीश जी ने बोला था कि चलिए आज हम सब मिलकर एकजुट होकर नशा मुक्ति को, पर्यावरण में जो दूषित हो रहा है उस चीज़ को दूर करते हैं। तो गाइस यही था नशा मुक्ति का मतलब नशा मुक्ति को दूर करने का और मानव श्रृंखला का मेन रीज़न। चलिए गाइस, आई होप आप लोग की तरफ भी जो भी लोग देख रहे हैं तो अगर वो बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो उन लोग की तरफ जरूर हुआ होगा। हर एक स्कूल में ये बनाया जाता है। बिहार में होता है कि बहुत मतलब होता है बहुत मतलब लंबे चैन में इसको बनाया गया है। हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में ये सब हो रखा है। तो सीख गाइस, देखिए हम लोग अभी कॉलेज में ऐसा हो रखा है, हम लोग भी इसमें शामिल हैं। तो शामिल होने के बाद बहुत ही अच्छा फील हो रहा है गाइस। और पीछे से मानव श्रृंखला के लिए मतलब सॉन्ग भी बज रहे थे। तो चलिए देखिए कितनी लंबी दूर में हम लोग शुरू से गेट से लेके लास्ट के गेट तक, और हम लोग हमारे टीचर्स भी और MBBS नर्सिंग सारे स्टूडेंट्स मिल के लोग इसमें शामिल थे। और सी गाइस, देखिए बहुत सारे दूर तक लोग शामिल है इसमें। चलिए दिखाते हैं, ज़्यादा दूर से हम लोग रिकॉर्डिंग करें तो उतना क्लियर नहीं आ पाया, लेकिन सी गाइस देखिए कहाँ तक की मानव श्रृंखला बना है। तो इसका टाइमिंग भी रखा गया था कि मतलब बिहार में पूरी जगह मानव श्रृंखला बनेगी, और वो उसका टाइमिंग 11:30 से 12 बजे तक रखा गया था गाइस, संडे को यानी 19 जनवरी को। इससे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था गाइस, बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था कि हाँ चलिए हम लोग भी तो किसी चीज़ में है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं, खुद भी जागरूक हो रहे हैं। तो अपने में एक अलग सा फील हो रहा था कि हम लोग एम्स के स्टूडेंट हैं और हमें भी इसमें शामिल होने का मौका मिला अपने कॉलेज में, चाहे कहीं भी हो, आप भी कोई हो गाइस, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए दिखा देते हैं कि अब हम लोग ये मानव श्रृंखला आधा घंटे का ये ड्यूरेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर। तो कैंपस के अंदर चलते हैं गाइस, और चलते चलते हुआ कि हम खड़े थे तो हम लोग को हुआ कि कुछ रिफ्रेशमेंट मिल जाए। तो हम लोग को ठंडा में पता ही गाइस इतना ठंडा था उस दिन और हवा भी बहुत तेज़ चल रहा था, तो हुआ कि उसमें चाय और कॉफ़ी मिल जाए तो उसका बात ही अलग होता है। तो हम लोग को सर लोग बोले कि चलो आप लोग को हमारे हॉस्टल की तरफ, उधर हम लोग को चाय और कॉफ़ी और बिस्किट मिलेगा। तो चलिए गाइस ले चलते हैं आपको। ये देखिए हम लोग फिर से IPT गेट के पास आ गए, सोचा कि हम लोग बैचमेट मिल के थोड़ा सा फ़ोटो ही खिंचवा लेते हैं। तो सी गाइस, हम लोग टू गेट इन बैच, पूरे बैचमेट तो नहीं है लेकिन जो भी बैचमेट्स है तो हम लोग फोटोशूट कर रहे थे गाइस। वो अलग ही मज़ा होता है कि पूरे अपने बैच के साथ फ़ोटो भी शूट कराना, बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। चीयर अप कर रहे थे हम लोग, और इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं अपने चाय और कॉफ़ी की तरफ। तो देखिए गाइस हम लोग चल रहे हैं, हमारी वार्डन मैम भी है साथ में, आगे हमारे टीचर्स भी है, और देखिए आगे स्टूडेंट है। ये देखिए सामने से हमारा एडमिन ब्लॉक भी दिख रहा है। और हम लोग पहुँचे अभी बैंक के पास, थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे कॉलेज की तरफ, आपको भी चाय पिलाते हैं, हम भी चाय पीते हैं। तो चलिए चलते हैं, और फाइनली अब थोड़ा देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं गाइस। देखिए इधर सब सारा हम लोग का हॉस्टल है ही है गाइस, अब इधर हम लोग बस आने वाले हैं, और इधर हॉस्टल और हम लोग का मेस है, हॉस्पिटल है, पीछे चल के अब हम लोग आके चाय पीने। देखिए सब लोग चाय लेने के लिए कितने एक्साइटेड है, चाय ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे, चाय खा रहे हैं, फिर ये चाय आप लोग के लिए गाइस। आप लोग इन्जॉय किए होंगे और जागरूक भी हुए होंगे,
और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। तो आज से हम लोग मिलकर इस श्रृंखला बनाने का यही मकसद है कि आज से हम लोग जो हम लोग को बाल विवाह हो रहा है, नशा मुक्ति है, उसको रोकना है। ऐसे ही बने रहें और जागरूक हो। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तो गाइस इसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जागरूक हो, कुछ यूजफुल हो, तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय द वीडियो।